हरिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अमु कहो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। जासु कृपा सदयाल द्रवउ सकल कली मल दहन। अनिल सरो रुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सम मौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आप लोग देखे कि उत्तर कांड के शुरू में वास्तव में विरह सबसे बड़ी अग्नि है। दृढ़ अनुराग जब हो तो विरह उसके लिए सबसे बड़ी अग्नि। आज दृढ़ और दिव्य अनुराग कहीं रहा नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि में सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव शरीर का। इससे श्रेष्ठ रचना नहीं। इतना बुद्धि बाकी कौन जीव के पास बा है। और सृष्टि मात्र परमात्मा श्री राम जी की लीला स्थली है। और यह बात सभी लोग समझते हैं या समझ सकते हैं कि बिना आत्मा के कोई भी शरीर सक्रिय नहीं हो सकता। और इस सृष्टि में जो भी शरीर की रचना बनाई गई है चाहे मेढक का चाहे जोंक का चाहे कुत्ता का चाहे सुअर का चाहे गाय का चाहे मुर्गा का चाहे बकरा का चाहे मनई का चाहे हाथी घोड़ा का किसी का भी प्रत्येक जीव का अपना भूमिका सृष्टि के संतुलन में है। बिना किसी कार्य के प्रकृति कोई भी जीव पैदा नहीं करती। निषाद राज भाई आज धरती का समाज में यदि मानव जाति यह बात समझ ले कि जन्म के समय जिस भी जीव का नेत्र
खुला होता है वे मांसाहारी नहीं होते। चाहे भैंस गाय बकरी भेड़ सुअर हो, कोई मांसाहार नहीं करता। जीव हत्या यह बिल्कुल जघन्य अपराध है। तो सिर्फ इतना बुद्धि अगर निर्धारित कर ले कि पूरे 84 लाख योनि में एक मानव जाति है जिसका भी नेत्र जन्म के समय खुला होता और सभी जीव प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है, यह विचार करके यदि विचार कर्म और वाणी तीनों के माध्यम से किसी जीव को कष्ट न हो, सोच शरीर और बाड़ी तीनों से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। धरती का प्राणी मात्र अगर यह लाइन अपने अंदर धारण कर ले और निष्ठा के साथ इस नियम को निभाए तो सतयुग की स्थापना तुरंत उसी पल हो जाए। क्या मानव समाज में इतना भी समझ अब नहीं रहा और स्थिति है आज कि धरती का आम मानव की तो बात ही क्या है। जो वंदनीय और सम्मानीय पदों को धारण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी यह सोच रखने में असमर्थ हैं। सम्मानीय पद चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान या गांव घर का मुखिया हो, वंदनीय पद चाहे विश्व धर्म संगठन का अध्यक्ष हो, विश्व गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, महंत हो, शंकराचार्य हो, धर्मपरायण पंडित हो, ये भी कपट से मुक्त नहीं। और आप सब लोग जानते हैं कि कपट यानी विचार कर्म और वाणी से एक न होना, इसी को कपट कहते हैं। पूरे धरती पर एक व्यक्ति ढूंढ के लाए जो कि कपट से मुक्त हो और चारों आश्रम में रहता हो। गणेश जी यही मुख्य कारण रहा कि चारों आश्रम के बाहर ही आना पड़ा, क्योंकि चारों आश्रम में मिलाकर एक प्राणी तक नहीं है जो कि कपट से मुक्त। आज कलयुग के प्रभाव से जो कि मात्र मशीनों का युग है, कल माने मशीन, इसका कोई अलग से कलयुग कहीं धरती पर कलयुग एक राजा बन के बैठा है का कि छल कपट करो नहीं तो तुमको उड़ा देंगे, ऐसा कोई है नहीं है। तो यह मात्र मशीनों का युग है जिससे कि आपका कार्य सुविधाजनक हो जाए, बस इसका इतना ही अर्थ है। कलयुग का अर्थ यह नहीं है कि आप कपटी हो जाइए, पाखंडी हो जाइए, दंभी हो जाइए, चोरी करिए, ठगी करिए, ये सब कर भाई मशीन से सुविधा ही होता है नहीं। कलयुग हो गया तो भयो पतोहु बहिन बिटिया सबकी मर्यादा भूल जाइए, दुखरन भाई एकर अर्थ इतना ही बा। और आज इतना समझ है,
नहीं इतना समझ तो है कि भयो बहन बेटी ये सब मात्र श्रद्धा और सम्मान के लिए है नहीं। अभी स्थिति है कि इसमें आपके देश का राजा अगर सत्यव्रत धारण करे तब तो आगे बात बन सकती है, क्योंकि श्रेष्ठ पदों पर बैठा हुआ जीव रामचंद्र भाई वहां से अगर थोड़ा सा भी कपट मिलावट करता तो उसे जितने लोग उसके संपर्क में हैं, सब जो है उसी चपेट में आकर के बल्कि और बढ़ जाता है। और राम खिलावन भाई स्थिति है कि जो आदर्श परिवार है आज धरती पर एक भी परिवार आदर्श नहीं बा। गुरु जी तब आदर्श परिवार के जो बा बता दी हरियाणा की कैसे क्या किस नियम कुछ कैसे चल रहना चाहिए कैसे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है श्री राम खिलावन जी। यदि भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से यह प्रश्न आई गया है तो नीति यही है कि परिवार का जो मुखिया हो जिसे गार्जियन कहते हैं सबसे पहले तो यह कपट से मुक्त हो, यानी साधु भाव का होना चाहिए और परिवार के जितने सदस्य हैं वे सब पूर्ण रूप से मुखिया के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वह भी लालच डर और कपट का त्याग करके। ठीक ना गणेश जी। और परिवार में जो सदस्य हैं उनकी कोई भी बाणी बिना गार्जियन के आज्ञा के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ। चाहे घर की बहू हो लेकिन वह अपने भाई से सीधा बात नहीं कर सकती बिना गार्जियन के परमिशन के। हाँ। और ठीक उसी प्रकार बाहर का जो भी संबंधी हो वह बिना मालिक के बिना गार्जियन के आज्ञा के कोई भी बात परिवार के सदस्य तक नहीं डाल सकता। ठीक। और गार्जियन आदर्श परिवार की बात है तो गार्जियन पूर्ण रूप से श्री शिव जी का सेवक हो, यानी ऐसा वह विचार न करे कर्म न करे बाणी न बोले जिससे झूठ निकल जाए, यानी शिव जी का सेवक यानी सत्य का सेवक। तो यह उसी अवस्था में मात्र हो सकता है जब परिवार के सदस्य सहयोग करें और जो घर का गार्जियन है उसके चित्त में चिंता के एक कण का भी जगह नहीं है। घर का गार्जियन मात्र वेद शास्त्र पुराण रामायण भागवत गीता जो धर्म ग्रंथ है इसी को सुनने समझने में ही अपना जीवन बिताए।
उसके लिए कोई भी शारीरिक सेवा का जगह नहीं है, क्योंकि जब वह पवित्र अवस्था में साधु अवस्था में है तो साधु अवस्था में जो सेवक है वही मात्र सेवा के अधिकारी। गार्जियन के जिम्मेवारी पर एक भी कर्म का बोझ न हो, बस उसको अपने मानसिक अवस्था को इसी अवस्था में स्थिर करना है कि चित्त को छल और कपट न छुए। उसकी जिम्मेदारी वही पर, जैसे यहाँ देख रहे हैं है? तो यहाँ पर कौन किसके छत छाया में रह रहा है? एक कुशा वाले रवि शंकर राम खिलावन जी के छाया में रह रहे हैं, श्री राम खिलावन जी कुशा वाले रवि शंकर की छाया में रह रहे हैं। क्या स्थिति है आप ही बताइए। छाया में रहने का अर्थ है कि जिसको मान के चले, ठीक ना, वही विवेक रूपी राजा की व्यवस्था, जिसके राज्य में इतना कुछ मिल गया कि आप लोग रख पाने में भी सक्षम। गणेश जी नहीं, रामचंद्र भाई, जितनी चीजें मिल जा रही है एक लोग रख पावता है, एकाख अगर कोई रख ले तो कर मुक्ति, ठीक ना। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर कोई कार्य का बोझ तो नहीं है, तब ऐसी अवस्था है। और आदर्श परिवार में नीति यही है कि जो घर का गार्जियन हो वो शिव जी यानी आदर्श गुरु को मान करके अपने चित्त को निर्मल करे, चाहे वो घर का गार्जियन हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक का बीडीओ हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, ये बात हर जगह लागू है। जो भी तनाव में रहेगा वह कभी जो है पवित्र विचार और निर्णय नहीं ले सकता। तो गार्जियन शिव जी और आदर्श संत की बाणी को सुन के ऐसा करे, और गार्जियन की जो पत्नी है वह श्रद्धा स्वरूपा होनी चाहिए, और पति की आज्ञा से ही या पति के इशारे पर ही उसका सोच और चरित्र बाणी होना चाहिए। और जो बच्चे हैं वे अपने माँ को पूरा का पूरा अनुसरण करना चाहिए। पुत्र या पुत्री को सीधे पिता से कुछ कहने की आवश्यकता, वो जो भी बात हो वो माँ से कहे, और माँ जो है श्रद्धा भाव से वह बात पुत्र का पिता तक पहुँचाए, और पिता गार्जियन तक पहुँचाए, और गार्जियन से जो आदेश जाए वो क्रमशः, ठीक ना। देखिए यहाँ से डोर बना हुआ दिख रहा है, संत से गार्जियन, गार्जियन से गार्जियन का परिवार में भाई लोग, और भाई से उनकी मतलब जो पत्नियां, और वहां से बच्चे। इस प्रकार से मात्र संतुलन संभव है, यही आदर्श परिवार की नीति है राम खिलौन भाई। और देखिए भगवान शिव जी की अगर प्रेरणा मिल जाए, पहला परिवार आपका इस मर्यादा को यदि धारण कर सके, तब तो आगे सतयुग की स्थापना का केंद्र बन जाएगा और बात आगे बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं गणेश जी, ये सब बाणी या रिकॉर्ड हो रही है, धरती का कोई भी व्यक्ति धारण करके देखे सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, है? ये बाड़ी है, और इसको अगर धरती पर कोई काट दे तो इनका गर्दन उड़ा दिया जाए, और नहीं काट सकते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी रूप से सांसारिक और आध्यात्मिक किसी भी रूप से अगर कोई प्रेम करता है
तो यह बाड़ी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जा रहा है, कोई करके देखे यही ना। और देखिए कोई भी कार्य बिना किए तो नहीं हो सकता, ठीक ना। तो जब एक परिवार सुधरेगा तब गांव सुधरेगा, तो फिर ब्लॉक सुधरेगा, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर देश, फिर पूरा विश्व। लेकिन ये शुरुआत करे तब ना लोग। निषाद राज भाई, दुखरन भाई के तब चले वाला नहीं बा, वो तो अपन खाली अपने जीव आत्मा के मुक्ति में लगा बैन, कहें कि लड़का लोग बहुत अलग निकल गया बैन। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम। और कोई प्रश्न है राम खिलौन जी? नहीं गुरु जी, देखिए बात एकदम सफा सफा है ना, और समझ में भी आ रहा है, संतुलन ऐसे ही तो बनेगा। जो पुत्र पिता का पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हो और आज्ञा पालन के द्वारा पिता को संतुष्टि दे और परमानंद की प्राप्ति करा दे चरित्र के द्वारा, और वह कार्य आप कर सकते हैं। परिवार साथ दे ना दे, ये हर पुत्र के लिए, जो भी मनुष्य का शरीर जिसके पास भी है वो सब किसी न किसी का पुत्र ही तो है, ठीक ना। ठीक, अब आते हैं मुख्य भगवान का चर्चा है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ऐसा ही देखिए इस प्रकार का प्रेम, कल्याण हो भाई, कल्याण हो पंचम भाई, इस प्रकार का प्रेम भाई भरत और लक्ष्मण जी के बीच में, वैसा ही प्रेम रवि शंकर ढूंढते ढूंढते प्रकाश जी को बैठा के चले गए, कोई समझ। और एक वह जीवात्मा है, वह भी अपने परिवार में ढूंढता रहा, लेकिन वह प्रेम अभी फिलहाल सब जो है साधना में लगे हैं। बाणी से तो भुवनेश्वरी पूरा श्वास समर्पित कर चुकी है, लेकिन अभी मन कर्म जो है, ठीक ने, अब वो साधना में सब है। तो खैर कोई ऐसा प्रेम करे न करे, लेकिन अगर कोई जीव अगर चाही जाएगा कि मुझे ऐसा ही करना है, तो यह बात समझते हुए कि प्रभु श्री राम जी तो सबके आत्मा है, तो प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं, चरित्र और वाणी पर न जाए, तो ऐसा कोई कर सकता है प्रेम? नहीं। लेकिन जब कोई इधर उधर की बात करता है ना, तो गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। तो ठीक, इतना ही नहीं, हम लोग दोहा नंबर 5 पर रुके थे, और दोहा रहा कि पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, अभेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। यानी प्रभु श्री राम जी और भरत जी का जब मिलन हुआ दिव्य अनुराग के साथ, ने? जो कि भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, वैसा मिलन बाणी और मन के बाहर है। नहीं, ऐसा मिलन कहाँ है? नहीं, तो उसके बाद प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से मिले, बिल्कुल उसी अवस्था में, माने वह भी मिलन
मन और वाणी के परे है। लक्ष्मण जी भरत जी से मिलते हैं, वह भी मन और वाणी के परे है। यदि वास्तव में मिलन हो तो ऐसा, यानी सरजू भाई आज कलयुग के प्रभाव से न दिल से दिल मिले न मिले, हाथ से हाथ मिलाते रहिए, ऐसे ही चलावा ने, और फोटो खिंचाते रहिए, फोटो बिगड़ गया तो फिर फोटो खिंचाने के लिए हाथ मिलाते, और ज्यादा जो है सर दर्द हो जाए तो हिम गंगे लगाते, वो भी एक्स्ट्रा कूल वाला, ये ना पंचम भाई, भाई जब ठंडा हो जाए, ठीक। तो भरतानुज लछी, भरतानुज लछी मन पुनी भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न, विरह अब दूर दूर रहे हैं ना, तो दूर दूर रहिए तो दुख न हो, असहनीय दुख का नाश हो गया। अब इतना जान ले कि अभी शरीर कोई से कभी गले नहीं मिल सकत, अब इस पर से नहीं बा, अब जेके आपन आपन दुख नाश करे क्यों है, वो अपने मन से हृदय से गले लगा के मिले, ये ने तो कहे गुरु मन से कैसे गले लगे, अरे मन से तो बहुत कुछ सोच ले ले, तो मन से गले नहीं लगा सकते, और कहे हृदय से कैसे गले से लगे महाराज बीरा छुए, तो हृदय से जितना चरित्र मिला बा वह सबके धारण कर ले, वह हो गल हृदय से मिलन। तो ये काम सबसे पहले के करी, कुल चरित्र धारण करे वाला के बा, जितना चरित्र देखा था इनके क्या मोह माया दिखा था, इनका निजी इच्छा बा, तो मोह माया और निजी इच्छा से मुक्त हुआ वाला पहला व्यक्ति के बा, हाथ उठावे गणेश जी निषाद राज जी, सरजू भाई सोचा था इनकी कहीं, अरे नहीं तो वो करे के पड़ी, ये वचन दे दिले ने, ये समझ ले बामन जी का उतार बा, वहां तो तीन पक जमीन मांगे के रहा, यहाँ वैसे ही कुल हो जाता, आपका हाथ नहीं उछल खिलाओ भाई, चले ठीक। कहे कि छत्री वीर वही होते हैं, प्राण जाए पर बचन न, ठीक ना, तो कोई बात नहीं, हाथ उठावे से कुछ न हो, अंदर से बात होगे, और इतना जान ले एक बात और, सब लोग बहुत श्रद्धा दिखाते हैं कि हमारे यहाँ श्रद्धा है, जने अगर पूछब कि दुखरन भाई श्रद्धा हो कि नहीं, तो एक है बड़ा खराब बात निकला सब ही के मुँह से, गुरु श्रद्धा न हो तो तुरे क्या आई, अक्सर ये बाणी निकल जाला ने, ये बहुत खराब भाषा है के कभी प्रयोग, अब समझ ले कि श्रद्धा, जय भाई फिर से एक बार समझ ले, आप ही नहीं पूरा विश्व समझ ले कि जब तक किसी कण से लगाव रहेगा, चाहे कण से कोशिका से शरीर भी बना है, है जमीन भी बना है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ब्रह्मा के सृष्टि में जितने पदार्थ हैं सब किसी न किसी कण से बने हैं,
नहीं, घर भी ईटा पत्थर से बनावा। जब तक किसी कण के बने हुए वस्तु में लगाव रहेगा तब तक पवित्र श्रद्धा किसी के पास नहीं आ सकती। गणेश जी बात बैठा था छाता लिया हुए कम से कम ध्यान दे, ये बात पकड़ में आल। कण की बनी वस्तु में थोड़ा सा भी लगाव रहा जने तो सात्विक श्रद्धा यह कभी नहीं आ सकती। कोई से लगाव बा राम सिंह भाई संसार में? ओ ठीक ना, देखो वहाँ गुड़ रखा हुआ, आज वह प्रसादी बटी गुड़ का पानी पिया, लगाव खत्म करो, भगवान के भक्ति करो। गौगड़े जी मुख धारा पकड़ो, ही कुल लालच काम गुस्सा घमंड जलन ममता ही छठे गंदगी का धारा ऐसे ही बाढ़ आ रहा बहुत आ, वो धारा में रहना ठीक बा पंचम भाई? है धारा छोड़ा भक्ति का धारा पकड़ा जोने से कल्याण हो। तो देखिए असली श्रद्धा तभी आएगी। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस बाड़ी को काटे इनका गर्दन सुने ऐसे ही, जे जहाँ सुने सुनी ने बार बार व्हाट्सएप पे जाते बाहर जगह जाने तो कही कि इतना बार कहा था ने एक दिन कोई जो हो दिमाग खराब भैल और उनका गर्दन कटी जाये। गर्दन काटे के ताकत एक को मिसाइल नहीं बचे के उड़ा सके नहीं। हाँ समझे ने, यहाँ तक कहाँ महाराज मिसाइल या काम तलवार रावण वाला ठीक ठीक निकल तो जाए चाहिए जने। तो ध्यान दे आदर्श परिवार में यो नीति बा, किसी ता चरण भरत सिरु नावा अनुज समेत परम सुख पावा अनुज समेत। राम सिंह भाई भाई शत्रुघ्न सहित सीता जी के चरणों में दूर से ही भरत जी प्रणाम करते हैं और उनके चरण धूल को लेकर सर पर रखते। ये काम तू करल है भौजी के दूर से ही प्रणाम करके चरण धूल लेके सर पे ऐसे सिर पे, यही आदर्श नियम बा। दिक्कत नहीं होत नहीं कुल बतावे लेन, लेकिन करे में लाज लगल ने। जौने दिन ई कुल संस्कार शुरू हो गल घर में जने गणेश जी कुछ दिन करें ओकरे बाद देखें कि नने सुधरे वाली नहीं बन तो छोड़ दे। ये असली संस्कार यही है। पति के अलावा शरीर को छूने का अधिकार मात्र बीमारी अवस्था में पुत्र को सेवा भाव के लिए है। नहीं पुत्र को भी चरण छूना है तो वह जो है स्पर्श का उसमें जगह नहीं है। माँ ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पर्श का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। धरती पर कोई ऐसा पुत्र हो तो उत्पन्न मतलब करे अपने भाव को, यही ने
बताओ पहला पुत्र के बनी? अब हाथ उठा बच्चा। हाथ उठाओ न उठाई आप कुछ नहीं जेकर माई नहीं बा जने यहाँ जितना जने बायन एमए से दो तीन जने के छोड़ के बाकी कोई कमाई आपके माता जी भाई नहीं ने तो बस खाली हुआ गणेश जी और यह राम जी और शत्रुघ्न जी यह ने तो कुछ बात नहीं बा अगर तू सबे मर्दवा इतना ल जाता है अगर भाव पक्का रखो तो माई जहाँ जहाँ गई बा जमीनिया नहीं बा जमीनिया माई के चरण पड़ा बा कि नहीं दुखरन भाई देखा एन बिल्कुल बाल का खाल निकाल लेके बताए दी है रोज सुबह उठ करके पवित्र भाव से जो वो चरण जहाँ पड़ा बा वह धूल के सर पे अच्छा ये काम माई के साथे तो कर सकल है रोज होता भौजी के साथे लेकिन नहीं हाँ देखा यह सब कुछ संस्कार ले कहे कि रामायण ऐसा ही हो ही और गणेश जी कथान गुरु जैसे भरत जी कहे प्रभु राम जी से कि भैया कुल कहे लेकिन कह के ही कि माई कहे बने कभी वो सही गणेश जी मन मन सोचता गुरु तू कुल कहे लेकिन जब से वो मछली न छोड़िए तब तक उनका चरण धूल देवे बदे बबवा कहता इन खराब लगा ला गणेश जी की ठीक न तो यहाँ तक तो मिलनी होगा और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आवो आगे आवो आगे आवो का कल से शुरू हो जाई चरण धूल नहीं माता जी के नहीं भाभी जी लोगन के भरत जी के सीता जी क्या रहे भाभी है तो सीता चरण भरत सिरु नावा अनुज समेत परम सुख पावा अनुज समेत यदि परम सुख पावो चाहता है तभी कर जितना सूर्योदय देखे रोज इनमें बहुत बड़ा भाव बा मुफ्त कई भाव मिला था तब वो लोग नहीं लेता है नहीं तो देखिए भाई अगर पक्का सुख पावे चाहे तो यह करे के ठीक ने ओके साफ कर ले काम तो फिर बात हो ठीक काहे कि जब बाड़ी चले तो एकदम पूरा कान मन बुद्धि चीत एक जगह ते आपका भी भौजी भाई तो काली से शुरू हुई है बढ़िया सुख पाओ जाते भाव कहिए का हो गए तो के नहीं वो सच है सत्य नहीं है सच है सत्य और सच झूठ दोनों संसार में ठीक कोई भी एक व्यक्ति से अगर बैर रहेगा तो कभी भी भगवान के भक्ति में मन
गलती भले से सामने वाले कहो, लेकिन अपने स्तर पे अगर द्वेष हटावा चाहता है जाके प्रणाम करके इतना खाली कर सकल है कि जो गलती भलो माफ करे आपसे हमारे कोनो रंजीत ये आदि कर सकल हो जाई। अब पंचम भाई सुजोदान गुरु तुरंत न कहो चल अच्छा देखो भाई हो जाये तो बताए यह कुल सीखा क्या करवे ठीक। हाँ कहे कि राग द्वेष का अंश रही तो कहाँ से हुई। तो प्रभु बिलो की हर से पूरे बासी अजनित वियोग विपत्ति सब नासी। जने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर अयोध्या वासी सब हर्षित हो गए और वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो। यानी और सुरैया का वासी पांच महीना से मिले बदे भी नहीं आए तो निश्चित बाकी अयोध्या का वासी नहीं बनते हैं। तो अयोध्या का वासी बना चाहे लंका का दुआ थे तो बा ये ने तो प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक किन है कृपाल खरारी। समझ लीजिए सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर। सब प्रेम विह्वल है और सब लोग मिलना चाहते हैं नहीं तो ऐसा देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। मतलब किए क्या किए देखिए कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी अनेकों रूप धारण अनेकों शरीर धारण कर लिए। रूप नहीं रूप तो एक ही है और सबसे तुरंत मिल लिए। यानी और यथा योग जो जिस भाव में मिलता है उसे उसी भाव में मिल लेते हैं। ये भी मिल रहे हैं सब लोग अनुभव ऐसी बात देखा है। अब आप थोड़ा अनुभव करता है गणेशो जी तो अनुभव करता है आपको याद करल है गुरु के वहाँ मशीन उशीन पे रहा है तो याद आवला तो ये मिलब बना बड़ा बारीक बात है। तो कृपा दृष्टि रघु वीर बिलो की ये सकल नर नारी बिसो की। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिए। देखो ये सब कृपा दृष्टि के बाड़ी और भाव विचार जाता नहीं तो आखिर के देखो थोड़ा सा भी अगर जेकरे अंदर सोच विचार के भाव बना रही वो समझ जाए कि आखिर के शरीर से औरों का मतलब सबकर जो है कि जो विचार है वो कट ना जाए। जितना संकल्प के साथ शरीर आएगा देखो कि अब वो कोई के रही कि पापी बाय नहीं महाराज कुछ लोग तो यहाँ कह दे हैं ना कि भोगबे लालच नहीं पूरा भल तो श्राप भी देहे बाय लोग। लेकिन जे देहे बा ओकर खुलासा
न करब काहे कि मर्यादा के यह सीमा अब वो ही बाड़ी सुनी तो समझी कि नहीं बड़ा गलती भेल। ऐसे कि अब स्थिति बा कि अब पूरा धरती जीव ना के आंख कान चमड़ा धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा बदे मरता। अब हमें एक ऐसा शरीर बा कि ओकर ऐसे मतलब नहीं बा दोगन के आश्चर्य नहीं बा तो अवश्य जो है जो भी जुड़ा रहा शरीर से अवश्य सबको शोक से मुक्ति मिल जाएगा इस आचरण और स्वभाव नहीं तो छन मही सब ही मिले भगवाना आ उमा मरम यह काहू न जाना। मजे की बात तो यह है कि हर कोई देख रहा है कि वो हमसे मिल रहे हैं वे अनेकों शरीर धारण नहीं किए हैं। हाँ सब लोग लग रहा है कि हम ही से बात कर रहे हैं ठीक ना ये बड़ा बारीक बा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा यह रहस्य किसी ने जाना। हाँ ये न प्रभु के लिए क्या सब सरल काम है तो ये ही विधि सब ही सुखी करी रामा आगे चले सील गुण धामा। इस प्रकार से सबको सुखी करके मर्यादा और सद्गुणों के घर धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे चले ठीक ने दुखरन भाई आपके यहाँ गैया रहा ओके चरावा भी ले जाते रहे कभी देखे गैया अपने बछड़ा से मिले बदे कैसे दौड़ के भागा ला देखे भाई सुना भाई ऐसा ही सच्ची ममता वाला भाव रहला कि कौशल्यादि मातु सब धाई अनिरखी बच्छे जेनु धेनु लवाई। माता कौशल्या जी सुमित्रा जी और माता कैकेयी जी कल्याण हो भाई ऐसे दौड़ी कि मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी। आप लोगों का अनुभव हुई ने ओके चराव लोग ले जाले लेकिन उनका मन लगत और शाम के समय जब आई और बछड़ा देखे नहीं कि एकदम बिना समझ में आ जाले कि वहाँ हमारे बछवा जाने। इन सब भावनाओं का सपोर्ट आप लोगों के पास में है अभी शरीर के पास किसी भावना का सपोर्ट ठीक ने तो बस भाव को पवित्र कर लीजिए तब तो जीवन का आनंद है नहीं और लालच रही तो भाव के कभी कोई पवित्र कर नहीं सकत और लालच जनते बे एक के पूरा भल नहीं कि एक के बढ़ेगा ठीक ने तो देखिए माताओं का कितना बड़ा प्रेम है ना कितना बड़ा प्रेम है भुवनेश्वरी माता भाई ने है इतना बड़ा प्रेम बा कि गणेश जी बना लगे राम खिलावन जी बना लगे
राम जी लक्ष्मण जी बनने लगे भाव बना कि नहीं, तो सब आदि शक्ति के ही तो पुत्र हैं, तो भाव एकदम पक्का हुआ के नहीं, सम्मान करे चाहिए यार, यहाँ सब सम्मान है भूल गया बा। ठीक, तो जनु धेनु बालक बछत जी गृह चरण बन पर बस गई, दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हूँ कार करी धावत भई, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपत्ति वियोग भवतिन हरस सुख अगणित लहे। देखिए आप लोग जिस अवस्था में है, जिस आश्रम में है, उसमें का अनुभव देखिए कि मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर, जब दिन का अंत होता है, हाँ, बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी, ठीक ना, ऐसा भी होता है क्या? रही हो दूध तो नहीं महाराज, कुछ बाजे बाजे गाड़ी के गिरे लगला टाइम हो जाए पर, ठीक ना, तो समझ लीजिए इतना पवित्र भाव होना, जिसे रिश्ते का नाम कहते हैं ऐसा होना चाहिए। ऐसा भाई बहन अब काम करो तो करो, नहीं तो भगा देंगे। नहीं ठीक, प्रभु श्री राम जी अत्यंत प्रेम से माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल बाणी कहे, नहीं, वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनकी पवित्र वाणी को सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए, यही ना। तो जो वियोग में हो उसके साथ कड़वी बाड़ी बोलने का जगह कोमल और सत्य बाड़ी बोली है तब न, ठीक। तो भेटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत के राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी। यानि सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान कर उनसे मिली, पुत्र से क्यों मिली? क्योंकि उस पुत्र का श्री राम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग है। जिस पुत्र का श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग न हो,
परम पवित्र प्रेम न हो वह माँ का कल्याण कभी नहीं कर सकता। नहीं, अब जेके मांस मदिरा सिगरेट गांजा और नौटंकी में जेकर मन लगा बा तू तो माई के दुख दे ही ने दुखरन भाई। हाँ ये ने ये पक्का पक्का जानिए, क्योंकि इस धरती पर उसी पुत्र का जन्म धन्य है जो श्री राम जी के चरणों का दृढ़ अनुरागी हो। तो जो दृढ़ अनुरागी रहेगा वे प्रभु के चरित्र को अपने जीवन में उतार ले। नहीं, अब जिसे देखो प्रेम बढ़त आई है, देखो एक चरित्र आवता ने नहीं ये नहीं घन मारा था ना बापू लोग घन मारे ना ऐसा ही बात। और उसी नारी का जन्म धन्य है जने जिसका पुत्र श्री राम जी के चरणों का अनुरागी हो। और इतने नहीं, वह नारी जिसका पुत्र श्री राम जी के चरणों का अनुरागी न हो वो अच्छा तो यही रहता कि वह बांझ रह जाती, वह ज्यादा उचित था। नहीं तो समझ लीजिए कि वह भी ब्याई हुई, जिसे गईवा भैंसिया नहीं बियानी, हाँ मात्र वैसा ही ब्याई है वो पुत्रवती नहीं भाई। ठीक न, कोई दिक्कत नहीं। कहे कि लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी, ठीक ना, यही कही है। क्या कही है? थोड़ा सा देख ले। पुत्रवती जुबेती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुतु होई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त ये अन्नतरु बांझे भली बादी बियानी राम विमुख सुते ते हित जानी। नहीं तो जो श्री राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित समझ रही है जने वह तो बाज ही अच्छी और पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही नहीं। भैंसियों तो पड़वा देला लेकिन वो पड़वा जो ना कुछ कर पावा था है बछवा, ठीक ना। तो निश्चित है कि अगर जो है कि श्री राम जी के चरण का अनुरागी होगा पुत्र तो पवित्र भाव से पिता माता के वचनों का पालन करने वाला होगा, तो वह जो है कि कहीं गलत जगह
तभी तो कल्याण होगा ने, नहीं तो पशु की तरह खाली बियाना वही व्यर्थ बा। ये माता सुमित्रा जी की बाड़ी है, ठीक ने, तब एक समझ के तब भगवान के भक्ति में दृढ़ अनुराग हो जाए के पंचम भाई ठीक। और देखिए श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई, तुझे गलती करी ओके लजाए के गलती काहे करवे, ये ना पंचम भाई भौजी के जो है चरण धूल लेकर के कदे भौजी प्रणाम, जोन गलती हो माफ करे जने। अभी बात पंचम भाई के जाता उनके सर पे बड़ा भारी भार हो जाता कि गुरु ऐसा काम करे भाई ने इतना सताए भाई कि देखे कुल कह ही मत करो, जब इन बताइए ना कोनो काम करे बदे तो आदमी कैसा अनुभव होगा बा गणेश जी कि सब के नहीं गुरु इत न करो इत न हो भाई इत है सही रास्ते पे चले बसे जब मार्ग देवे तो अक्सर लोग उसे छड़ जाइए, लेकिन जेके भगवान के भक्ति चाहिए ओके एक एक बाणी के अपने हृदय में धारण कर लेवे के रामचंद्र भाई कर लेन ने। भौजी भाई ने को कि नहीं गांव में, गांव में भाई हाँ तो वह एक दिन करे ये काम सरजू भाई कर ले बहन जने, चाचियों लगे वाली लोग हुई हैं नहीं भाई ने देखा ये कुल भाव हो, ये भाव के जहां से इकट्ठा कर सके वहां से कर ले जने राम सिंह भाई समझ ले। अब ही तो सच्चों का भौजी भाई नहीं, ये कुल भाव इकट्ठा करके ने उसे कहा कि मुक्त हो जाइबे, जैसे ही पवित्र भाव आयल तो वहां से जो है एकदम मन पवित्र, जब हर जगह से संसार में पवित्र रखबा तब ने हमें परम पवित्र मिली, और संसार में जब छुक झुक रही जने ये ने जोन बतावा था कुछ करा था कि सही राम जी भाई देखा समझो हाँ, नहीं तो लोग इतना समझाता है कि उनके यहाँ जाना ठीक नहीं भा मना करे भाई सही बात बाजे रास्ते पे चलो यहाँ अवे उसी के नहीं चले की बा ये ना भाई कोनो दिक्कत तो नहीं बा लेकिन इतना बा कि कोई भी ये शरीर से जितना लोग जुड़ा बहन रहे या बाइन कोई के न तो डरे के बा न तो शरमाए के बा जने, न तो ही शरीर छोड़ा के बाद रोवे के बा जने, अगर कोई डराता लजाता जने या ई शरीर छूटा के बाद या इनके ई शरीर कैसे रहता उकरे बारे में कोई अगर चिंता कराता तो एक अर्थ बा कि वह न पवित्र प्रेम नहीं करता, यह न गणेश जी। और जे एकदम माने उस संसार से अपन मन मोड़ के मौन व्रत धारण करके आराम से भगवान के नाम के जाप करे वही में ओके परम धाम कोई भी हाँ। इस शरीर कोई एक विशेष व्यक्ति के लिए कभी चिट्ठी नहीं लिख सकत, कभी कोनो फोन से मैसेज नहीं जा सकत जने, टेलीफोन पर वो कभी बात होबे न करी वो बंद हुई गासी जने, न तेन कभी कोई से कोनो उपहार। अब सीधा कहता न कि अगर कण कण से जोन वस्तु बनाबा ओमे अगर लगाव रही तो भक्ति कहाँ से होई, तो ओकरे बदे तो पहले अपने जब दूर रही है तब ने तब भी आप लोग सीखवे, नहीं तो कोई का मोबाइल चुरा ले वो ओकर हार्ट अटैक हो जाइए सुनो लोग बयान
जो मोबाइल के प्रेमी बहन नहीं सुने लक्ष्मण जी अब माता कैकेयी से मिले जाते हैं जाने तो लक्ष्मण सब मातन है मिली अहर से आशीष पाई कै कई कहा पुनि पुनि मिले अमन कर छो भून जाई जाने लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए और वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता पूरा नहीं जो उन मिले तब वो उनका गया देखा ही बड़ा बारीक साहब हाँ यही से अगर बहरे बहरे से कोई से हाथ मिलवा दे जाने लेकिन उखर अंदर कहे लक्ष्मण जी देखा इतना सेवक भाव भाव पक्का अनुरागी बहन ओकरे बाद भी गई जिसके जोन करनी रहा ऊपर रोज गयल खाली प्रभु के लीला होना पता कि ऐसा तो होबे करी अब कोई इतना सताई पंचम भाई तो उसे पवित्र प्रेम लगी नहीं मौका मिली अब कह के मछली दे देते वो मछरिया खींच के मार दी बड़ा अलग बात तो देखा रोज का जगह नहीं भाई अब बतावे हाथ उठावे के ऐसा पहला व्यक्ति बा जो संसार जगत से सबका रोष छोड़े के तैयार बा कोई से भी द्वेष करे के जगह जने तो पक्का फिर अब कोई से दोस्त द्वेष करे के जगह लेकिन इतना ध्यान रखा कि जहाँ राग रही वहाँ द्वेष हाँ तो देख ले राग कहीं बाकी नहीं नहीं कुकुरा के तरह खूब दौड़ा बोले कौनो भी जीव से द्वेष करे के जने राग द्वेष दूठे उल्लू है मोह के रात्रि में जो है ना यही से सब सुख पावत है नहीं रोष मतलब जाने लेने माने गुस्सा फिर कोई पर करे के नहीं ठीक नहीं बस गुरु शिव जी प्रभु राम जी इनके विरोध में जब बात करे उनके ऊपर जो ना आग बरस सकल है ओकरे बदे पूरा छूट लेकिन ही बाकी संसारिक बदे जने तो सासुन सबनी मिली बैदेही अचरण ही लागी हरसुवती तेही अदेही असीस बुझी कुशलाता होई अचल तुम्हार यही बात जानकी जी आदिशक्ति सब सासुओं से मिली और उनके चरणों से लगकर देखिए सीता जी जब सासुओं के चरणों से लगकर मिलती है तो उन्हें अत्यंत हर्ष होता ठीक ना आजकल मेरा रू सासू से के चरण लगता ही झगड़ा करता ही ने यही से उन्हें खुशी नहीं बा जे वास्तव में सच्चा हर्ष पावे चाहे वो अपने सासू के बिल्कुल बिटिया बन के सेवा करे
तब्बे ओके सच्चा सुख मिली राम जी भाई, बाकी कोनो रास्ता। राम जी भाई के खेर रहस्य खोली। राम जी भाई गलत हुई तो बताए या नहीं, कहे कि यहाँ न तो देखो ऐसा तो दिखाता, यहाँ से देख ले सही दिखाता कि गलत, ठीक न? हाँ देख ले कहीं गलत तो नहीं दिखाता है, दिखाती बा कि जौन बढ़िया बढ़िया बात सुनल ला लगल कुल जाके मेरा रू को समझाई। नहीं एकदम पक्का बतावे आवला भाव कि नहीं नहीं महाराज शर्मा बात नहीं नहीं जब सुना ला बढ़िया बात कि नारी के ऐसा होगा कि तो अंदर भाव आवला कि नहीं बताओ वाला रहा बता देना। वो है कि जोने से जाने कहे कि एक समझे में बारीकी, यहाँ कोनो ऐसा बात नहीं है, बारीकी ही हो कि जौन भी जीव जुड़ा बा शरीर से, हर जीव चाहला कि एकर कल्याण हो जाए, पवित्र व्यवस्था बा नहीं। तो सासु माता जी लोग कुशल पूछकर आशीर्वाद देती कि तुम्हारा सुहाग अचल, एक सीता जी है कि उनका सुहाग अचल है, एक पार्वती जी है कि उनका सुहाग अचल, बाकी किसी का सुहाग अचल, ठीक नहीं? क्या करवे अब इतना है कि जो मन बाड़ी कर्म से दासी बन जाए अपने पति के चरणों की, उसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, तब मुक्ति होगी तो दोनों की हो जाएगी, ठीक। तो सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही, नेत्रों से प्रेम के आंसु उमड़े आते हैं, प्रेम के आंसु उमड़ रहे हैं, फिर भी मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्र में ही रोक लेती। जने रवि गुरु का बहन आलिन ने यह कहीं ने हम अभी लोगन के ये देखो ये मोह माया में बा उसे लगी कि हमरे भैया का क्या हाल बा बेचारे इतना बढ़िया अमेरिका से, अब क्या करता है और क्या पता बा कि यहाँ कितना आनंद बा कि यहाँ आनंद बटो था और सब रोक नहीं पावा था है ये ने तपस्या वाला आनंद के मौसर बा सोच तक नहीं बा लोगन के तपस्या बदे, बस शरीर मिला बा कुल मांस मछली खा ले शराब पी ले वही में मजा ले ले, वहां का मजा बा ठीक ने। सोने के थाल से आरती उतारती और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती, श्री अंग माने वही मुखड़ा, ठीक ने? यहाँ कहाँ की आरती उतारे, यहाँ तो कलयुग बाबा कि यहाँ तू का करे हमेशा जा ले यह आरती। भाई देखे समझे में कोनो दिक्कत न हो के, लेकिन बढ़िया बा बताओ दाई जी जैसन करी ने
ऐसा नहीं तो बात नहीं बा, कभी ना कभी सुनबे करी सब तो बात सुना की बड़ा गलती करे रहे। चल कोई बात नहीं, वैसे ही भी आरती ही बड़े प्रेम से स्वीकार। लेकिन एकर पूर्णावती कब हुई? निश्चित बा अगर प्रकार स्थिर होएगा तो गोला सही, तो निश्चित बा कि गणेश जी अगर गणेश जी बन जाइए तो माता पार्वती अवश्य बन गणेश जी। यानी जिसे पंचम भाई की लगा था कि बहुजी बड़ा परेशान करेगा, यानी उसे लगी लगी ना कुछ सुधरे वाली नहीं बा, ऐसा नहीं कि नहीं भाव। हाँ तो इसे आपों के भाव आई कि नहीं गुरु माँ भाई सुधरे वाला। लेकिन वास्तव में अगर जिस दिन अगर आप शिव स्वरूप बन जाएंगे पत्नी अवश्य पार्वती स्वरूप हो जाए, ये बहुत पक्का पक्का व्यवस्था बा सरजू भाई। जौने दिन सरजू भाई पक्का पक्का सरजू बन गए वही दिन जे भी संपर्क में आवे चाहे लड़का हो चाहे नतनी हो, जने सबकर मन निर्मल हो, ये सब प्रमाण होला ठीक ने। हाँ तो ब्रह्म के अवस्था में तो राम जी पैदा कर दे, लक्ष्मण जी पैदा कर दे, गणेश जी पैदा कर ले, यही शरीर ही और देखो होता कि नहीं। अपन अनुभव करत जा ठीक ने। बतावत तो भाई एकदम सब सरल बा, बस चले के बा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ जहां भी समर्पण हो जाता है वह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता। देखे चौपाई बोलो है तो बोले चौपाई बोलो कि कवन सिद्धि कि बिनु विश्वास बिनु हरि भजन न भव भय नाशा बिनु हरि भजन। देने अब कुछ बात नहीं जाग दे, लेकिन इतना जान ले कि कोई भी सफलता बिना विश्वास के मिलत हाँ, और बिना निष्काम भजन के कभी ये भाव सागर के कोई पार। तो निष्काम भजन कब करबे? जब निष्काम सेवा देबे। तो निष्काम सेवा का अर्थ बा कि जिनमें कोनो लालच ना हो और एक अलावा कोई के बाड़ी रूप से या चरित्र से मन विचलित ओके निष्काम सेवा। अगर किसी के बाणी से अगर विचलित हो गए, रूप से विचलित हो गए, चरित्र से विचलित हो गए, तब आपका निष्काम सेवा। तो कितना जने निष्काम सेवा करत आया भाई? तो वह एक को जने नहीं करत आया, कहे कि अभी होता नहीं, कोशिश में लगा है, लेकिन निष्काम सेवा के इतने बा कि जीव ना के आँख कान चमड़ा के वस्तु का लालच न हो, धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा का कामना न हो, और किसी का बाणी किसी का चरित्र और किसी का रूप मन के जो अचल अवस्था है उसको विचलित न करे, और शरीर से सेवा हो उसके बाद कर्ता भाव भी उसमें, तो इसे कहते हैं निष्काम सेवा। गुरु तू जैसन बाए वैसे ही बनावे की कोशिश। निष्काम सेवा का यही अर्थ वास्तविक अर्थ है। एक कहा गुरु अब कहा कुछ रह गए, रवि गुरु चले गए, प्रकाश जी चले गए, अब कुछ नहीं ठीक ना, ये आत्मा राम बन गए। अब भगवान शंकर जी चाहते हैं कि यह बाड़ी हमारे सेवकन के मिले, यानी शिव जी के लिए तो समर्पित करिए, अगर न समर्पण करना हो इतना कुछ तो कोई आवश्यकता नहीं है कीर्तन करने की, न तो आवश्यकता है बेलपत्र चढ़ाने की, ये ने और इसके लिए अहम भाव का त्याग करना पड़ेगा। मात्र एक चीज का त्याग करने से इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, और जो सच्चा सेवक नहीं बन सकता वह कभी भाव सागर से पार। देखे शंकर जी के बाड़ी को हो
कि सेवक से व्याभाव बिनु अभवन तरिय उर गारी अभजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारी। जब तक यह सेवक और स्वामी का भाव स्थिर होकर के सेवा नहीं होगा तब तक इस भवसागर से कोई पार नहीं होगा। फंस गए सबके सब। 5000 साल में बहुत कम लोग निकले। जो लोग निकल पाए उसमें से कुछ लोगों को जानते हैं, जो नहीं निकल पाए वे सब जो है कुमार्ग का प्रचलन कर चुके। कितने लोग कुमार्ग का प्रचलन किए बोलिए। महावीर, गौतम बुद्धा, इब्राहिम, मूसा, हजरत मोहम्मद साहब। साहब नहीं, कलयुग के भाड़े का नौकर, समझ रहे हैं। अबीर कबीर जितने भी हैं सब के सब कामना और कपट का शिकार हो चुके और फंस चुके हैं। नहीं, नरक में नहीं बात है ना, समझिए। मानव जाति कितना विकास कर गई है 425 करोड़ में। सब लोग कामना के नौकर हो गए हैं। लालच झूठ, लालच दास, झूठ दास, घमंड दास, गुस्सा दास, कपट दास, पाखंड दास, यह कुलबान ने यही विकास है पूरा जो है मानव समाज का। एक व्यक्ति धरती से ले आइए जिसके अंदर छल कपट न हो, इनका गर्दन उड़ा दीजिए। सबके सब पूरा भा भ्रष्ट संसारा सब आचारा, वेद सुनिए नहीं काना, ये ने सब बरा कोई जुटा नहीं पावता और ढेर सारा जो है रास्ता निकाल करके नाम करे के चक्कर में नाटक करावा है। ये नाम खिलौन भाई। तो खैर बात के आगे मत बढ़ावा। निष्काम सेवक बना बदे बतावा के तैयार बा के बार 48 घंटा के अंदर इतना चीज स्थिर कर पाई। पक्का पक्का कहे कि यहाँ कच्चा बात ये ने कोई अभी हो नहीं कह सका कि गुरु तोरो बिया भलो तो पूछी इनाऊ का बिया भावा ठीक ने। कुल रिकॉर्ड होता मोबाइल में, कुल एकदम पूरे धरती पे फैला दे, देख ले कुल मर गए बन के काके जिंदा बहन। कहे कि जीवत सौ सम 14 प्राणी, वही अवस्था में पूरा बहन एकर एको बात कटे वाला नहीं। इतना कहे तो काम नहीं, यानी ये पूछ रहे कि 48 घंटा में ऊपर हाथ उठाओ के बात करो, बात में मिला हुआ मोह जने। पक्का एक सच्चा सेवक नहीं बहन धरती पर कुल जने। तो ठीक तो नाना भांति निछावरी करही अपरमानंद हरस उर भरही अकौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही चितवती कृपा सिंधुरन धीरही। माताएं अनेकों प्रकार से निछावरे करती और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही। जने क्या प्रभु बतावे, पक्का सेवक बने को तो खाली निष्काम भजन के अलावा कोनो काम। अरे गुरु ऐसा दिमाग फसल बा कि अब का करी। उस सब ही के ये बात नहीं बा, वो लपेट ले बा ने अगर बगले से अगर निकल हो तो हट जाता है।
लपेट ले बाजी से निकल रहे वही गणेश जी के लपेटे नहीं हुआ लेकिन लपेटे बदे चल रहा है बस ठीक। तो कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री राम जी को देख रही, सोने का झुमका देखे उम्मे का एको कण ताबा का होला, सोने के बाद तो सोने का रही है किताबो ही में रही ना, इधर तू मिला उठी देखी हो बे सोने का बना बा जाओ ढक्कन वाला नहीं। अच्छा ठीक है सुनो, वो स्टील का देखा था थाली है उसमें सोना के कुकड़ बा, चलो इसे समझो तो प्रभु है कृपा के समुद्र, प्रभु क्या है कृपा के समुद्र, तो यहाँ पर कहीं एक भी क्रोध का लोभ का घमंड का अहंकार का कण है। अगर प्रभु का सेवक बना चाहे तो तुम्हारे अंदर अगर रही तो सेवक बनते ही है। देखो बाबा बात तो बाबा अगर इस चित्त में रह जाएगा तो यह चित्त सेवक बन पाएगा नहीं ना, पानी में तेल मिलावट चाहे तो मिल पाई तो सेवक बने का होगा तो यह काम करा और हम का त्याग और निष्काम सेवा का जो व्यवस्था मिलावा बस वही के धारण करो। आज ही पूरा जो ना सुन ले जाके घोरे एक बार जने समझत है भगवान से मिले चाहता है कि नहीं, हाँ तो एकदम पक्का पक्का सेवा होता लगाव रखवा तो वह दिक्कत हो जाए। सेवा के जब पूरा का पूरा मौका मिलोता तब उनमें तीसरा क्या करे ममता के मिलावट कर बे और लालच नहीं तब कोई से ममता कोई करा ला। देखे उदाहरण नहीं देखा था प्रमाण देखो, हाँ लालच जब देखे तो लक्ष्मी नहीं है तब देखो क्या पूछवाएं कभी बहन की गोए भाई साहब देखे अंदर कोई के तनको रही यहां से कर निकाल दी है ने। तो हृदय विचारती बारही बारा कौन भांति लंका पति मारा, यानी अयति सुकुमार जुगल मेरे बारे अनिश्चर सुभट महाबल भारे। माता कौशल्या जी बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा, मेरे ये दोनों बच्चे बड़े सुकुमार है नहीं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे नहीं है। आप लोग कभी बताओ सही सही बताए यहाँ तो तुमको कपट नहीं, कभी नहीं सोचा कि गुरु आखिर के मोह रूपी रावण के कैसे मारे बाहर है। कभी ना कभी ऐसे वही कहे की बात कोई बहरहाल महाराज लेकिन यही पर निर्णय पहुंचा जन्म के ही समय से प्रभु का दृष्टि बा नहीं, ममता त्याग कर ही जिमी ज्ञानी, बैराग योग के बाद जब अखंड ज्ञान होला तब जाके ममता का त्याग होला।
मात्र योगी ही मोह का वृक्ष उखाड़ सकते हैं नाथ, बाकी किसी के पास पुरुषार्थ हाँ जान ले, इन्हें सब पता हो, अपन दूसरे पासत जा जहाँ जगह पड़े, बस इतना कर बे कि साधत है जहाँ बुद्धि फंसा तुरंत आके पूछ ले बे तो रास्ता मिल जाए। और अगर पहले ही से गरियार बढ़ा के तरे भाई राम सिंह भाई घबराया मत, पहले ही से अगर समझ ले ना ही गुरु तोहरे तरह कोई नहीं हो सकत, अरे कहे नहीं हो सकत का इस रिजिया जो हो ऐसे ही बनल बने नहीं कि कोनो अलग से बना बा, सुबह चाय नमकीन तो खाते बा है, दूध की जगह आजकल दही मारा था वो चीनी डाल के है, यही सरिया में नहीं पचता तो सरिया तो बाप पंचभूत है और रास्ता बा अगर जे चली कहे नहीं, लेकिन सही बताओ जे गरियार बढ़ा रहे वो बैठो ले तो जब चलबे न करी तो कैसे हराई जुताई, वो छोटो का नाद देबे तब वो न जुताई नहीं राम जी भाई। हाँ सही मत समझो, परम धाम तक का पक्का पक्का मार्ग बा, बस सही चले के देरी नहीं पकड़ा है यार, तू सभी जो ना ले लेता था शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम में जाते जने, तो वही राम जी वाला चरित्र में एकदम स्थिर होके रहते, अब वही तो प्रेरणा बोले सब कुछ समझा देता है। और आप लोगों के जब शुरू हो जाए वह भाव जुटावे है, अब इतना सरल तो बा भाभी के चरण धूल लेके सर पे रखना, पंचम भाई कहता है कि बड़ा गुरु गड़बड़ बा कैसे करते बात समझा ठीक, तो देखे अब राक्षस आप लोगों के मरद शुरू करें है ना, अब इधर बढ़त आए तो देखा मन तो काफी जो है कि अब ताकत मिल गया बा, हाँ अब ताकत मिल गल बा, तब एक कमजोर नहीं कि बढ़ोते जा नहीं, नहीं तो लक्ष्मण अरु सीता सहित अप्रभु ही बिलोकति मातु अपरमानंद मगन मन अपुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कौशल्या जी देख रही, तो माई का सच्चा लाल बनो, मोह माया और निजी इच्छा से मुक्त श्री राम जी के देखो भाव से, शांति सुमति और पवित्रता रूपी सीता जी के दर्शन करो भाव से, और पवित्र सेवक भाव रूपी लक्ष्मण जी के दर्शन करो करो। माता जी तो निहार रही है एक टक लगा के, और इससे इनको मिल क्या रहा है मन में परमानंद, उसी में मग्न, तो जो भी इसको जो है भाव में रख लेगा बैठा लेगा उसको मिलेगा नहीं, जो उन्हें बस में बैठे बे वही में कंडक्टर की किराया मिली, ये तो बात है कि दूसरे बैठ में तो मैं ना मिली, तो यही भाव इसी भाव को बैठाइए परमानंद में मग्न हो जाइए, तो शांति सुमति और पवित्रता को काट कर अगर सेवा देंगे तो बोझ आई कि परमानंद आई, इतना जो समझ में आवा था तो शांति सुमति पवित्रता की कहे भंग करवे है, तो ऐसा करेंगे माता कौशल्या जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा, आप भी ऐसा करेंगे तो आपका भी ऐसा होगा, और ऐसा कर सकते हैं कब, जब कामना से मुक्त होकर निष्काम सेवा करेंगे और निष्काम भजन करेंगे
तब शरीर से जीते जीते परमानंद का अनुभव लीजिए नाथ। अगर लेना है तो वहां से बात करिए, नहीं तो ये छोटा मोटा और क्या बात करे। गणेश जी बनिए तो बात हो। और राम सिंह भाई बिल्कुल एकदम शत्रुघ्न जी के रोल में तैयार, और राम जी भाई लक्ष्मण जी के रोल में तैयार, यानी निषाद राज जी भाई सब बढ़िया बा, लेकिन बिल्कुल अपन रोल तैयार कर ले। और रामचंद्र भाई बस खाली रामचंद्र जी का जो है चरित्र कर, तनको छल कपट का जगह नहीं बा, जितना कपटी मित्र हो सबके त्याग दे, कोनो जरूरत नहीं बा, सब ने सबका जय हुई भाई। तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम खिलौन भाई सहित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। तो जब सबकी ममता तोड़ के प्रभु के चरणों में लगाएंगे तभी दृढ़ अनुराग प्राप्त होगा, यही ना? ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम।